आइए आपको आज ऐतिहासिक किले पर चलते हैं। श्रीलंका में ये किंग रावणा का किला मौजूद है, इसके अवशेष मिले हैं, पहाड़ी पे मौजूद है। और श्रीलंका में श्री हनुमान, श्री रामचंद्र जी, माता सीता के तमाम निशान आज भी मौजूद हैं। ये कहना गलत होगा कि हमारे एक मिथ है, कल्पना है, ये सच है। आज श्रीलंका में रावण के किले के निशान काफ़ी मौजूद हैं। श्री हनुमान जी ने लंका जलाई थी, सोने की लंका थी, आज वो काली है, काफ़ी जला हुआ है, काफ़ी पुराना इतिहास है ये, लेकिन मौजूद है, इसको हम झुटला नहीं सकते क्योंकि ये सत्य है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है और वहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है। आप श्रीलंका जाएं तो भगवान श्री राम, हनुमान, इन सब के निशान आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रावण की लंका, माता सीता की अशोक वाटिका भी है और श्री हनुमान के पैर निशान पत्थरों पे आज भी मौजूद हैं, जो कि साक्षात और साफ साफ दिखते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ मौजूद है, ये श्रीलंका में मौजूद है रावण का किला। ये रावण के किले के निशान हैं। रावण का किला बड़ा मजबूत किला था, पहाड़ी पर स्थित था और जब काफ़ी कुछ निशान मिले हैं वहाँ पे, जब युद्ध में रावण की हार हो गई थी तो नाग वंश के लोग रावण की डेड बॉडी को उठा ले गए थे, क्योंकि विभीषण को जल्दी थी कि राज्याभिषेक अतिशीघ्र हो जाए, इसलिए रावण के शव को नहीं उठाया गया, ना उसका अंतिम संस्कार किया गया, ना क्रिया कर्म किया गया, इसलिए नागवंश के लोग रावण के शव को ले गए। उन्होंने एक बड़े से ताबूत में, पत्थर के ताबूत में उसको मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिया था, पैक कर दिया था कि आगे आने वाले समय में रावण फिर जिंदा हो जाएगा। वो ताबूत मिलता है, वो पहाड़ की गुफा के नीचे रखा हुआ है, काफ़ी दुर्गम रास्ता है, वहाँ रास्ता नहीं है, पहाड़ से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वो मिला है। उसके ऊपर कुछ लिपि लिखी है जो कि समझ में पढ़ने में नहीं आई है, लेकिन रावण के किले के निशान आज हमको लंका में मिले हैं, वहाँ सीता जी के भी निशान हैं, रावण का शव मिला है, हनुमान जी के भी निशान हैं, हनुमान जी के